हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजी जॉब्स अपडेट में। बालोद जिला के अंतर्गत यहाँ पर कुल 91 पद पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। इस जिले में यहाँ पर छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा इस जिले बालोद जिले के लिए यहाँ पर वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है 26 मई 2023 को। तो जिसके लिए छत्तीसगढ़ के मूल निवासी और जो इसके लिए योग्यता पूर्ण रखते हैं वो यहाँ पर आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन यहाँ पर इस पद के लिए ऑनलाइन आपको आवेदन करने होंगे, जिसके लिए आपको जिले की वेबसाइट पे आपको जाकर आपको आवेदन करने होंगे। बालोद जिले की वेबसाइट में जाकर आप यहाँ पर 29 मई से लेकर आप 12 जून 2023 तक आप यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसमें आपका जो है 5वीं पास 8वीं 10वीं 12वीं और यहाँ पर स्नातक अभ्यर्थियों के लिए आपका वेतन भर्ती के लिए विज्ञापन यहाँ पर जारी किया गया, जिसमें सभी के लिए पद हैं। कुल पदों की जो संख्या है यहाँ पर कुल 91 पद रिक्त हैं, जिसमें से आपका इसमें सहायक ग्रेड 3 स्टेनोग्राफर और आपका जो है भृत्य के पद, ड्राइवर के पद है, वाहन चालक, चौकीदार, अर्दली, फर्रास और प्रोसेस वर्कर, इन सभी पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। तो देखते हैं यहाँ पर 5वीं से लेकर यहाँ पर स्नातक अभ्यर्थी यहाँ पर अलग अलग पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। नियमित पद पर भर्ती है, इसके लिए आपको यहाँ पर कुछ पद के लिए आपका जो है चयन लिखित परीक्षा और कौशल परीक्षा के द्वारा होगा। और जो भृत्य जो 5वीं पास अभ्यर्थी के लिए जो विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके लिए आपको केवल और केवल मेरिट के आधार पर आपका जो है चयन किया जाएगा, ठीक है। तो अधिकतम यहाँ पर आपका पद जो है आपका 5वीं पास के लिए है यहाँ पर, जिसमें से भृत्य, खर्रास और यहाँ पर आपका प्रोसेस वर्कर, इन सभी पदों पर। तो यहाँ पर हम डिटेल्स देख लेते हैं, बेसिक वेतन और चयन प्रक्रिया क्या क्या रहेगा, योग्यता वगैरह डिटेल से। तो ये सब जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। सबसे पहले जो है इम्पॉर्टेंट है कि ऑनलाइन आवेदन करने हैं, इसके लिए आपको जिले की वेबसाइट में जाकर आपको विजिट करने होंगे, ठीक है। PDF आप जिले की वेबसाइट से ही आपको मिल जाएगा, या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया गया है। देखते हैं सहायक ग्रेड 3 के लिए यहाँ पर बेसिक वेतन यहाँ पर 19,500 से 62,000, लेवल मैट्रिक्स 4, कुल 27 पद यहाँ पर रिक्त है। अगर आप आरक्षित वर्ग से हैं तो जिस वर्ग के अंतर्गत आते हैं वो यहाँ पर आप डिटेल से चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगला जो है स्टेनोटाइपिस्ट के लिए बेसिक वेतन सेम रहेगा, लेवल सेम रहेगा, 9 पद है। अगला जो पद है वाहन चालक के लिए, कुल यहाँ पर 11 पद हैं, ठीक है। बेसिक वेतन सेम रहेगा, लेवल मैट्रिक्स भी सेम रहेगा। इसके बाद जो है भृत्य के कुल यहाँ पर 20 पद रिक्त हैं, ठीक है। 20 पद जिस वर्ग के अंतर्गत आते हैं आप चेक कर लेंगे। बेसिक वेतन आपका 15,600 से 49,400, लेवल मैट्रिक्स 1 यहाँ पर रहेगा। इसके बाद जो पद है अर्दली के लिए, कुल रिक्त 2 पद हैं, केवल 5वीं पास से ही है। बेसिक वेतन सेम रहेगा, लेवल मैट्रिक्स सेम रहेगा। उसके बाद जो है चौकीदार के लिए जो 8 पद है यहाँ पर, ठीक है, इसके लिए भी आपका जो है 5वीं पास होना चाहिए, लेवल मैट्रिक बेसिक आपका सेम रहेगा। फर्रास के लिए कुल 5 पद है, जिसके लिए बेसिक वेतन मैट्रिक्स सेम रहेगा, ठीक है। अगला जो है प्रोसेस वर्कर के लिए कुल यहाँ पर 9 पद है, जिसके लिए बेसिक वेतन सेम रहेगा, कुल 9 पद। तो योग्यता वगैरह मैं पहले ही बता दिया हूँ, यहाँ पर कक्षा 5वीं से लेकर यहाँ पर 8वीं 9वीं 10वीं 12वीं और यहाँ पर स्नातक अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं अलग अलग पद के लिए, जिसमें से आपका सहायक ग्रेड 3 के लिए 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्ष की डिप्लोमा और हिंदी टाइपिंग में 5,000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की कौशल परीक्षा लिया जाएगा, ठीक है। स्टेनोटाइपिस्ट के लिए योग्यता सेम, इसमें भी सेम रहेगा, शीघ्र लेखन या फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर में आपका कौशल परीक्षा लिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर वाहन चालक के लिए 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जितने भी पद हैं सभी के लिए 5वीं यहाँ पर उत्तीर्ण होना चाहिए, जिसके लिए आपको यहाँ पर कौशल परीक्षा नहीं लिया जाएगा, केवल यहाँ पर मेरिट के आधार पर जो है आपका चयन किया जाएगा। वाहन चालक के लिए आपका कौशल परीक्षा जो है लिया जाएगा, ठीक है, कौशल परीक्षा जो है ड्राइविंग के लिए आपका, ठीक है। तो इन सब पद के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा कम से कम 18 और एकदम 35 वर्ष। छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को यहाँ पर आयु सीमा में छूट मिलेगा, तो वे 45 वर्ष की आयु तक आवेदन कर सकते हैं।
इसके अलावा आपका जो है आयु सीमा के लिए 5वीं, 8वीं, 10वीं की अंक सूची को आपको यहाँ पर प्रस्तुत करने होंगे और छत्तीसगढ़ के मूल निवासी और रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। बाकी सब यहाँ पर जो भी है आप यहाँ पर PDF से चेक कर सकते हैं। जो भी दिक्कत हो आपको हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं, साथ ही टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसके लिए जिसमें आपको काफ़ी अच्छे अच्छे जानकारियाँ आपको जो कि रोजगार से रिलेटेड आपको दिया जाता है। जो भी वीडियो हम यहाँ पर नहीं बना पाते उसका PDF भी हम यहाँ पर अपने टेलीग्राम चैनल में ही आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन आवेदन करने हैं जल्दी से जल्दी जाकर आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि जो है 12 जून 2023। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।